हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में आप लोग देखिएगा इंटर के सेंटर एग्जाम में पूछे गए फिजिक्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन। जिस स्टूडेंट्स का एग्जाम हो चुका है उसके लिए आप लोग अपना आंसर जान लें, और जिस स्टूडेंट का एग्जाम नहीं हुआ है वो इसको आउटेड क्वेश्चन के तौर पर आप लोग इस सारे क्वेश्चन का आंसर को आप लोग तैयार कर लेंगे, जिनका एग्जाम आज है, जिनका एग्जाम कल है और जिनका एग्जाम 11 तारीख के बाद है। तो आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूं कि आप सभी सारे क्वेश्चन का तैयारी कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आप लोग अच्छे नंबर को गेन कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में सब्जेक्टिव के शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन को वीडियो प्रदान किया जाएगा। इससे पहले हम लोग बायोलॉजी केमिस्ट्री दोनों के लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को देख चुके हैं, और आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स को देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो आपको अपलोड की जाए तो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था चुंबकीय आघूर्ण का SI इकाई तथा बीमा लिखिए। क्या पूछा गया? चुंबकीय आघूर्ण की SI इकाई तथा बीमा लिखिए। तो चुंबकीय आघूर्ण का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? वो हमारा होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, जिसको आप लोग AM² भी लिख सकते हैं, और बीमा होता है MLIT होता है। तो अगर आपसे पूछा कोई चुंबकीय आघूर्ण की SI मात्रक क्या होता है तो एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, आप लोग AM² बोल सकते हैं, और बीमा MLIT होता है। ये दो लाइन लिख दीजिए, आपको इस क्वेश्चन का 2 नंबर मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का तैयारी भी अच्छे से कर लेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब अपने सेकेंड नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर आपसे न्यूमेरिकल टाइप पूछा गया था। क्वेश्चन आपका है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर 31.41 कूलम आवेश, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व की गणना करें, मतलब उसका पृष्ठ घनत्व हम लोग किस तरह से निकालेंगे। तो पृष्ठ घनत्व का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आप लोग जानते होंगे। आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है वो हमारा होता है Q/4πr². तो Q का जो हमारा वैल्यू है वो कितना दिया गया? 31.41, मतलब Q हमारा यहाँ आवेश है तो उसका जो वैल्यू दिया गया वो कितना दिया गया? 31.41, 4 का 4 और हम लोग पाई का मान 3.14 रखे, और r का स्क्वायर मतलब 5 × 5 = 25 हो गया। आप इसका सॉल्यूशन जो भी आए आप उसको यहाँ लिख दीजिएगा, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। जो भी सॉल्यूशन होगा आप लोग यहाँ लिख दीजिएगा, जो भी आंसर आए मल्टीप्लाई करके, तो इस क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और बस इतना लिखिएगा, ये हमारा 2 नंबर आप लोगों को दे देगा। अगर क्वेश्चन में किसी तरह के डाउट हो आंसर में तो आप लोग नीचे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आप लोगों को डाउट हुआ तो। अब अपने हम थर्ड नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा धारा घनत्व क्या है और इसकी विवेचना करें। क्वेश्चन हमारा क्या है? धारा घनत्व क्या है और इसकी विवेचना करें। तो धारा घनत्व की परिभाषा हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जिसको आप लोग चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर। तो किसी चालक के प्रति एकांक काट क्षेत्रफल में प्रभावित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते? धारा घनत्व किसको बोलते हैं? किसी चालक के प्रति एकांक काट क्षेत्रफल से प्रभावित धारा को हम लोग क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व को किससे सूचित किया जाता है? धारा घनत्व को जे से सूचित किया जाता है, और इसका SI मात्रक जो होता है वह धारा घनत्व का एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। तो इस तरह से आपका धारा घनत्व का भी परिभाषा हो गया। आप लोग चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आप लोगों को एग्जाम में इस क्वेश्चन का आंसर लिखने में कोई दिक्कत ना हो। और ये सभी क्वेश्चन VVI आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी, तो आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब अपने फोन में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। फोन में क्वेश्चन हमारा है संधारित की धारिता किन दो बातों पर निर्भर करती है। संधारित की जो धारिता होती है वो किन दो बातों पर निर्भर करती है, इसका आंसर जानते हैं। तो पहला है हमारा प्लेटो के क्षेत्रफल पर। किस पर? पहला जो निर्भर करती है संधारित की धारिता वो किस पर निर्भर करती है? तो उसमें जो प्लेट यूज किए गए हैं उसके क्षेत्रफल में। दूसरा जो आपका है वो है प्लेटो के मध्य की दूरी में, दोनों के बीच की दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है, उस पर भी निर्भर करती है। और तीसरा एक है जो मैं आपको चाहे बता दूं, दो बातों ऐसे पूछा, लेकिन आप लोग 3 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग 2 ही लिख दीजिएगा। पहला लिखिएगा प्लेटो के क्षेत्रफल में, और दूसरा लिख दीजिएगा प्लेटो के मध्य दूरी पर, और तीसरा जो इसमें आप लोगों का वो है प्लेटो के मध्य माध्यम के पराविद्युतांक पर, उसके बीच जो पराविद्युतांक है उस पर भी निर्भर करता है। तो अपने हम 5 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है प्रकाश के व्यतिकरण के आवश्यक 2 शर्त लिखिए। तो आप लिख दीजिएगा, पहला लिखिएगा, आप लोग यहाँ जो नहीं लिखा गया आप लोग लिखिएगा प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक 2 शर्त निम्न है। पहले ऐसे लिखिएगा आप लोग, पहले लिखिएगा प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त जो है वो 2 निम्न है। पहला आप लोग लिख दीजिएगा प्रकाश के दोनों स्रोतों से निकलने वाले तरंगों की कलाओं का अंतर क्या होता है?
स्थिर होता है। दोनों शर्तों से जो निकलने वाले तरंग होते हैं, कला होती है, उसके अंतर जो उसके बीच का होता है वो क्या होता है, अस्थिर रहना चाहिए। दूसरा जो है वो है दोनों तरंगों के तरंग दैर्ध्य अथवा आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए। दोनों जो तरंग दैर्ध्य है उसकी तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो ये हुआ हमारा प्रकाश के व्यतिकरण के लिए दो आवश्यक शर्त। और ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई, तो आप सभी इस क्वेश्चन की भी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। अब अपने सिक्स नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन आपका जो है, सिक्स में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन था आपको चुंबकीय क्षेत्र के अनुदेशित प्रक्षेपित आवेशित कण का मार्ग कैसा रहेगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको छोड़ दिया क्योंकि मुझे इसका आंसर नहीं मिला, तो लेकिन आपको कोशिश करूंगा उसका भी उपलब्ध करा दूं क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कुछ अलग टाइप से पूछा गया था। तो अब उसको हम लोग छोड़ दिए हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन को, आप लोग सेवन नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्योंकि आपको जो है एक से अठारह तक में दस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। तो आप लोग एक दो क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोगों को पहला क्वेश्चन करवा दिया, दूसरा क्वेश्चन भी करवा दिया, तीसरा क्वेश्चन भी करवा दिया, चौथा क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ, पांचवा क्वेश्चन भी हो चुका है, सिर्फ छठा नहीं हुआ। हम लोग अभी सातवां नंबर क्वेश्चन पर, मतलब अभी तक में आप लोग पांच क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। अब हम लोग सातवें नंबर क्वेश्चन पर है। सातवां नंबर क्वेश्चन हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता का महत्तम और न्यूनतम मान लिखिए। तो न्यूनतम दूरी के लिए जो आवर्धन का सूत्र, जो हमारा सूत्र होगा वो होगा m इक्वल वन प्लस डी एफ। क्या हो जाएगा, m इक्वल टू वन प्लस डी एफ, जहां हमारा m क्या है, m हमारा आवर्धन है, d हमारा क्या है प्रतिबिंब की दूरी है, और आप हमारा f हमारा फोकस है। ये किसके लिए, तो ये हमारा न्यूनतम दूरी के लिए है। महत्तम दूरी के लिए जो आपका मान होगा वो क्या होगा, m इक्वल टू डी एफ, और सेम टू सेम ये हमारा किसके तरह हो जाएगा, ये हमारा इसी की तरह हो जाएगा। m हमारा यहाँ आवर्धन है, d हमारा प्रतिबिंब की दूरी है, और f हमारा फोकस है, सिर्फ हमारे यहाँ से वन हट गया। तो न्यूनतम दूरी के लिए आवर्धन क्या हो जाएगा, m इक्वल टू वन प्लस डी एफ, और महत्तम दूरी के लिए क्या हो जाएगा, m इक्वल टू डी एफ। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनता है, तो आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिएगा अपने अनुसार जिस तरह से आपको सुविधा हो जाए। अब अपने हम आठ में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, आठ में आपका क्वेश्चन है 2 एम्पियर की धारा किसी चालक से 10 सेकंड तक प्रवाहित होने पर उससे 80 जूल ऊष्मा उत्पन्न करती है, तो चालक का प्रतिरोध निकालें। क्वेश्चन फिर से समझिए, क्वेश्चन हमारा है 2 एम्पियर की धारा किसी चालक में 10 सेकंड प्रवाहित होने पर इसमें 80 जूल ऊष्मा उत्पन्न करती है, तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, चालक का प्रतिरोध निकालना आपसे कहता है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान तरीका से आप लोग इसको निकाल सकते हैं और आसानी से नंबर गेन कर सकते हैं। आपको न्यूमेरिकल टाइप देख के बहुत सारे स्टूडेंट्स को छोड़ देते हैं, लेकिन आप लोग देखिएगा इसको, आप लोग दो लाइन में आंसर दे सकते हैं। पहला हमारा क्या है, 2A की धारा से 10 सेकंड तक प्रवाहित होने पर कितने 80 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। सूत्र हमारा क्या है, चालक का प्रतिरोध निकालने के लिए जो ऊष्मा का जो सूत्र है वो हमारा क्या है, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्या सूत्र है हमारा, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो H हमारा यहाँ क्या हो गया, H हमारा यहाँ जूल हो गया, तो 80 जूल। I हमारा क्या, समय कितना दिया गया है, मतलब कि धारा कितना दिया गया है, I का मतलब क्या हो गया हमारा धारा, ऐसे मतलब जूल आप लोग जानते होंगे। ये हमारा सूत्र है चालक के, मतलब उष्मा का सूत्र है, आई एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो H हमारा यहाँ दिया हुआ है आपको 80, आई का वैल्यू दिया हुआ है 2 एम्पियर, तो 2 का स्क्वायर गुना आर, हमारा प्रतिरोध हमको निकालना है तो प्रतिरोध हम आर रखे हैं, और समय हमारा दिया गया है 10 सेकंड। अगर यहाँ मिनट में दिया गया हो तो आप उसको सेकंड में चेंज कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला हो गया 80 इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस आर इंटू 10। तो आर इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा, 80/80/40, तो आर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2 ओम। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को ये पूरा भास्ट लगा होगा, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये कितना आसान तरीके से बन गया। आप लोग जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करते हैं, आप लोग न्यूमेरिकल टाइप भी उतना ही आसान होता है, और कभी कभी ये सभी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा। तो चालक का प्रतिरोध अगर ये क्वेश्चन जिसमें धारा दिया हुआ हो, सेकेंड दिया गया हो, उष्मा दिया गया है, तो आप लोग उष्मा का जो सूत्र होता है एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आप लोग इस फॉर्मूला पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एच का वैल्यू 18 देंगे, 2 स्क्वायर प्लस आर इंटू 10, जिसका हम लोगों का हो जाएगा 2। अब अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, वह भी हमारा न्यूमेरिकल टाइप पे ही है। अब देखिए चौक कुंडली हमारा क्या होती है, तो चौक कुंडली तो बहुत कम प्रतिरोध एवं अधिक प्रेरक तत्व वाले कुंडली को हम लोग चौक कुंडली कहते हैं, कुंडली को चौक कुंडली कहा जाता है। चौक कुंडली आपसे ये क्वेश्चन 2014 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। तो चौक कुंडली की परिभाषा आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो बहुत कम प्रतिरोध एवं अधिक प्रेरक तत्व वाले कुंडली को हम लोग क्या कहते हैं, चौक कुंडली को चौक कुंडली कहा जाता है। यह हमारा डबल ओवरराइटिंग हो गया, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं बहुत कम प्रतिरोध एवं अधिक प्रेरक तत्व वाले कुंडली को हम लोग क्या कहते हैं, चौक कुंडली कहा जाता है। इसके द्वारा एसी सर्किट में धारा का मान घटाया जाता है, इसके द्वारा क्या करते हैं, एसी
एसी सर्किट किसको बोलते हैं आप लोग जानते होंगे, तो इसके चौक कुंडली के द्वारा हम लोगों का एसी सर्किट में धारा का जो मान होता है उसको घटाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके क्वेश्चन में का क्वेश्चन है। तो यदि सर्किट के कम प्रतिरोध तथा अधिक प्रेरकत्व वाले कुंडली को जोड़ दी जाए तो सर्किट का जो है प्रतिघात बढ़ जाता है, फलतः प्रतिवादा बढ़ जाता है तथा धारा घट जाता है। ये हमारा चौक कुंडली का काम है। तो आप लोग इतना आंसर लिख सकते हैं। अब अपने हम 11th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11th नंबर आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन आपका है बिंदु ए तथा बी के बीच हमको क्या करना है, समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो आप लोग यहां देखिएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा ए और बी के बीच में ज्ञात करना है। तो पहले आप लोग इसको सीरीज कनेक्शन में, ये हमारा क्या है, यहां से लेके ये जो पूरा है वो हमारा सीरीज कनेक्शन में है। तो इस तीन प्रतिरोध को हम लोग हटा के उसमें एक प्रतिरोध जोड़ देंगे तो ये तीनों हमारा सीरीज कनेक्शन में है। तो सीरीज कनेक्शन का समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाता है, 1/4 + 1/4 + 4। तो इस तरह से आपका 3/4 होगा, जो हमारा ये हो जाएगा 4/3। एक जो प्रतिरोध रेजिस्टेंस का मान हमारा 4/3 हो जाएगा। उसके बाद ये और ये हमारा क्या है, पैरेलल कनेक्शन में, तो 6 + हमारा 4/3 हो जाएगा। फिर इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। जब ये हमारा निकल जाएगा तो इस दोनों को निकालने के बाद फिर हमारा ये क्या हो जाएगा, एक सीरीज कनेक्शन हो जाएगा। तो ए से बी हम लोग एक माध्यम से पहुंच सकते हैं, ये सीरीज कनेक्शन हो जाएगा। ये हमारा 2 ओम है, ये भी हमारा 2 ओम है। और आप 6 + 4/3 को जो होता है निकालने के बाद आप लोग उसको निकाल के इसका समतुल्य प्रतिरोध निकाल दीजिएगा और लिख दीजिएगा ये हमारा ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध है। तो आप लोग फिगर से भी इस तरह से दर्शा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, फिगर के तौर पर भी दर्शा सकते हैं। पहले हम लोग इसको हटा के करेंगे, फिर इसे एक सीरीज कनेक्शन, फिर दोनों को हटा के एक सीरीज कनेक्शन जोड़ेंगे, फिर हम लोग इस माध्यम से सीरीज कनेक्शन के माध्यम से निकाल लेंगे। आप लोग निकाल लीजिएगा, आप लोग निकालना भी जानते होंगे। अगर हम लोग निकालते तो फिर वीडियो आपका थोड़ा लंबा हो जाता है। एक क्वेश्चन हमारा एक ट्रांसफॉर्मर के ऊर्जा क्षय को नामांकित करते, इसमें हमें फिगर बनाना पड़ता, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ दिया हूँ। अगर किसी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दिया गया, आप वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं। मैसेज करके इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा। अब अपने हम 13 में क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 13 में क्वेश्चन आपका है मॉडुलन को परिभाषित करें तथा इनके प्रकार को लिखे। तो मॉडुलेशन हम लोग किसको बोलते हैं, जिसको आप लोग मॉडुलेशन भी बोलते हैं। तो अंकक तथा अनुरूप सिग्नल जिसका संप्रेषण किया जाना होता है, अंकक तथा अनुरूप सिग्नल जिसका संप्रेषण किया जाना होता है उसकी आवृत्ति क्या होती है, प्रायः चिन्ह होती है, तथा अतः इनका इन रूप में संप्रेषण नहीं हो पाता है, तथा इन सिग्नलों का संप्रेषण के लिए वाहक की आवश्यकता होती है, और चिन्ह आवृत्ति सिग्नलों को उच्च आवृत्ति सिग्नलों में अध्यारोपित करने की क्रिया को हम लोग मॉडुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडुलेशन बोलते हैं। और ये मॉडुलेशन जो है ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा आयाम मॉडुलेशन, दूसरा होता है हमारा आवृत्ति मॉडुलेशन, और तीसरा होता है हमारा कला मॉडुलेशन। तो आप लोग इसके स्पेलिंग पर ध्यान नहीं देंगे, दोनों हमारा सेम ही है। तो मॉडुलेशन हम लोगों क्या है, अंक तथा अनुरूप सिग्नल जिसका क्या होता है संप्रेषण किया जाना होता है, उनकी आवृत्ति चिन्ह होती है और इनका इसी रूप में संप्रेषण नहीं किया जा सकता है। तो इसी के चिर आवृत्ति सिग्नलों को हम लोग उच्च आवृत्ति सिग्नलों में प्रयोग करने के अध्यारोपित करने के हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलेशन कहते हैं। अब अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 15 में क्वेश्चन, ये भी आपका एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपका है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक क्या है, BH, इसके ऊर्जा घटक BY का √3 गुना है, तो इस स्थान पर नीति कोण का मान क्या होगा। क्वेश्चन फिर से समझिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक मतलब BH जो है इसके ऊर्जा घटक के BY का √3 गुना है। एच बी भी हमारा क्या हो गया, BH, यहाँ पर लोग बी ए भी हम लोग वाई भी ले लिए, आप लोग इसको वाई कर लीजिएगा। तो प्रश्न हमारा क्या कहता है, एच बी वाई क्या है, √3 का BH गुना है, यही हमारा प्रश्न कहता है, हम लोग चेंज कर दिए हैं। तो बी वाई इसको तो क्या हो गया, √3 BH हो गया। तो आल्सो टेन जो ओम है वो हमारा क्या हो गया, BH, जिसको हम लोग नीति कोण बोलते हैं, BY/BH। तो BY/BH क्या हो गया, BY = BH हो गया। ये हमारा टेन सिग्मा वाला हमारा फॉर्मूला होता है, ये जो नीति कोण का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, BY/BH। तो BY का मान कितना क्या दिया गया, √3 BH, और BH को हम लोग BH ही रह देते हैं। तो यहाँ हमारा BH और BH कट गया, तो यहाँ क्या बचा, √3 बचा। तो इस तरह से हमारा जो है सिग्मा इधर बच गया, टेन इनवर्स √3 = कितना हो गया, 60 डिग्री। तो ये हमारा जो नीति कोण का जो सिंबल है, तो नीति कोण = हमारा क्या हो गया, नीति कोण बोलिए या एंगल ऑफ डिप बोलिए, हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री का, कुछ भी नहीं। BY हमारा कितना, √3 BH गुना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है नीति कोण का, वो टेन सिग्मा होता है BY/BH। तो BY का हमारा वैल्यू दिया गया √3 BH, हम लोग यहाँ √3 BH कर दिए हैं। उसके बाद BH कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, √3 बचा। तो हम लोग इसको कोण को इधर रखकर टेन इनवर्स कर दिए, तो टेन इनवर्स √3 का तो मान आप लोग निकालना जानते ही होंगे, अभी तक जान ही गए होंगे। तो
तो उस तरह से हम लोग नीति को यहाँ कितना निकालती है, 60 निकालती है। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हुआ। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बहुत ही आसान है और आपको सिर्फ देखने में ये भारी लगता है, लेकिन कुछ सॉल्व करना बहुत ही आसान है अगर आप लोग निकालना जानते हैं तो। तो आप लोग इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से बना दे और आंख बंद करके भी बना देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका एक न्यूमेरिकल टाइप है। क्वेश्चन हमारा 1.5 अपवर्तनांक वाले उत्तल लेंस को उतने ही अपवर्तनांक वाले तरल में रखा जाए तो उस माध्यम में लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला लेते हैं। क्या लेते हैं? लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला हम लोग क्या है आप लोग भी बताइए। 1/f = μ2/μ1-1 = 1/r1-1/r2। ये हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला है, आप लोग याद रख लीजिएगा अगर आप लोगों का ना पता हो तो, क्योंकि ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बार बार पूछता है। लेंस मेकर फॉर्मूला को लिखिए और साबित करें, तो आप लोग इसको साबित करना भी जान जाइएगा। बहुत ही वीवीआई है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो ये हमारा μ1 = μ2 = क्या दिया है, 1.5 दिया गया, क्या उतने ही तरल वाले। तो म्यू वन भी हमारा उतना ही होगा जितना म्यू टू होगा। तो दोनों हमारा कितना क्या दिया गया, दोनों हमारा 1.5 μ1 दिया गया। तो 1/f = क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों हो गया? म्यू वन और म्यू टू हमारा दोनों बराबर, तो ये हमारा 1 ही हो जाएगा। तो 1-1 = क्या होगा, 0। तो हम लोग 0 गुना इधर कुछ भी करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1/f = क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। तो f = क्या हो गया, हमारा इन्फिनिट। तो इस माध्यम में लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो इन्फिनिट ट्यूब हो जाएगी। तो ये हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस जो है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। इम्पोर्टेंट तो ये सब्जेक्टिव है ही, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में भी है, क्योंकि हमारा क्या हो गया, जब दोनों माध्यम में जो अपवर्तनांक सेम रहेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उसकी फोकस दूरी इन्फिनिटिव हो जाएगी। अगर कहीं भी अगर ये क्वेश्चन या हमारा 1.5 की जगह 2.5 क्यों ना दिया गया हो, तो आप लोग बता दीजिएगा। अगर हम लोग उत्तल लेंस को उतने ही जो सेम अपवर्तनांक वाले हम लोग तरल में रखेंगे तो उसकी जो फोकस दूरी होगी वह क्या हो जाएगी, इन्फिनिटिव हो जाएगी। आप लोग आंख बंद करके भी इसका आंसर दे दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं हम लोग नैंड गेट की सत्यता सारणी एवं बुलियन व्यंजक को लिखे। क्या क्वेश्चन हमारा, नैंड गेट की सत्यता सारणी एवं बुलियन व्यंजक को लिखे। तो सत्यता सारणी को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो इनपुट अगर हम लोग 0-0 कराएंगे तो हमें आउटपुट क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। फिर हम लोग 1-0 को हम लोग इनपुट कराते हैं तो ये हमारा 1 रहेगा, मतलब सर्किट का अगर दोनों तार खुला हुआ रहेगा तो इससे सप्लाई चालू रहेगा नैंड गेट से। उसी तरह से हम लोग 1-0 भी एक बंद रहेगा एक खुला रहेगा तो भी चालू रहेगा। अगर पहला वाला बंद दूसरा वाला खुला रहेगा तो भी चालू रहेगा। अगर दोनों लेकिन चालू रहेगा दोनों स्विच तो ये हमारा बंद हो जाएगा। तो ये हमारा एक सत्यता सारणी नहीं हो गया। और इसका जो बुलियन व्यंजक होगा वो क्या हो जाएगा, y = 1a-b। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है तो ऑब्जेक्टिव के भी तौर पर आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये हमारा बुलियन व्यंजक किस तरह से निकालते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को। किसको देखते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को। तो हम लोग यहाँ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पर आ चुके हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ ले लीजिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो आप लोगों को ये 22 नंबर में क्वेश्चन मिल जाएगा। कितने नंबर पर, 22 नंबर में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि बायो सावर्त के नियम को लिखिए। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है और इस नियम के आधार पर वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर, मतलब अक्ष बोलिए केंद्र पर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो पहले हम लोग बायो सावर्त के नियम को देख लेते हैं। तो बायो सावर्त का नियम हमारा क्या है, पहला नियम है एलिमेंट के कारण उत्पन्न मैग्नेट फील्ड इंटेंसिटी का जो मान होता है वह कंडक्टर से प्रवाहित करंट के समानुपाती होता है, मतलब डीवी समानुपाती आई। दूसरा हमारा एलिमेंट के कारण उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मान जो है एलिमेंट के लंबाई के समानुपाती होता है, मतलब डीवी समानुपाती डीएल। और तीसरा हमारा यदि एलिमेंट एवं पॉइंट के बीच का कोण जो है थीटा हो तो उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मान क्या होता है, साइन थीटा के समानुपाती होता है, अर्थात डीवी समानुपाती साइन थीटा। दोस्तों अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ लेना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, जिसका जो नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिल जाएगा, आप लोग यहां से भी ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जो भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए इसका, ये हमारा 339 है, मतलब ये हमारा 95, ये हमारा 3 है 9572222339। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी ये लिंक मिल जाएगा तो आप लोग इसका पीडीएफ ले लीजिएगा ताकि आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से कर ले। और चौथा हमारा क्या है, उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मान एलिमेंट एवं पॉइंट के बीच की दूरी के वर्ग के अनुपाती होता है, अर्थात डीवी समानुपाती 1/r2। अब आते हैं हम लोग किसी धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारा सेकंड पॉइंट है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो पहले आप लोग इस फिगर को बना लीजिएगा, उसके बाद आप लोग लिख दीजिएगा माना एबीसीडी हमारा कोई धारावाहिक कुंडली। अगर आप लोग पीडीएफ नहीं लेना चाहते तो आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ताकि आप लोग आंसर को तैयार कर सके। तो माना एबीसीडी क्या है, हमारा एक कुंडली है जिसको ओ त्रिज्या है, आर है,
आर त्रिज्या कुंडली से आय करंट हम लोग घड़ी के विपरीत दिशा में प्रवाहित कर रहे हैं, तो केंद्र पद कितना हो गया, केंद्र ओ पर हमारा बल समान नियम को प्रयोग करते हुए मैग्नेटिक का मान ज्ञात करना है, आप लोग लिखिएगा। परिधि पर डीएल लंबाई के एलिमेंट की कल्पना करते हैं, बायो सावर्ट के नियम से इस एलिमेंट के कारण केंद्र ओ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी db = μ / 4 π i dl sin θ / r² अतः कुंडली के कारण केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मान होगा वो आप लोग इस तरह से इंटीग्रेट कीजिएगा, और उसके बाद हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, b = μ i / 2 r। तो इस तरह से कुंडली का टर्न अगर n हो तो μ / n, तो हमारा केंद्र पर कितना निकल गया, μ नॉट i / 2 r, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा μ नॉट i / 2 r। आप लोग इसको तैयारी करके लिख लीजिएगा और आप लोग इसका एक पीडीएफ भी ले लीजिएगा। अब अपने सेकेंड लॉन्ग टाइप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा लॉन्ग टाइप में जो आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, बायो बोर मॉडल को लिखिए तथा सिद्धांतों को अनुभवित करते हैं, बोर के सिद्धांत आधार पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करें। तो ये भी आप लोगों से बहुत ही विवाही क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी ले लीजिएगा पीडीएफ इसका, तो ज्यादा बेटर होगा। अगर हम लोग वीडियो में बताएंगे तो फिर ये लंबा हो जाएगा, तो अगर आप लोग पीडीएफ नहीं लेना चाहता तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेते चल जाइए। आपको तीन क्वेश्चन है, आपको तीनों क्वेश्चन का आंसर बता दिया गया हमारे द्वारा। एक आपको जो है आपको लेंस फॉर्मूला, लेंस के लिए सूत्र, इसका भी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर मैसेज कीजिएगा, इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बोर के मॉडल को लिखिए तथा इसके आधार पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करें। तो बोर का मॉडल क्या हुआ, 1913 ईस्वी में नील्स बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल को दोष को दूर करते हुए अपना एक मॉडल दिया, जिसको जिसका नाम हम लोग क्या रखें, बोर मॉडल का है। जितने भी दोष थे रदरफोर्ड के मॉडल में उसको इसमें दूर किया गया बोर के मॉडल में। पहला जो दूर किया गया आपको लिखा हुआ यहाँ पर है, आप लोग इसका ले सकते हैं, आप लोग अपना तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा चार नियम है। उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की यहाँ व्याख्या कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है जो हमारा स्पेक्ट्रम है, यहाँ आप लोग देखिए हम लोग साबित भी किए हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको साबित करके, ये थोड़ा लंबा है, लॉन्ग गया है, आप लोगों को भी इतना ही लंबा लिखना पड़ेगा। ये हमारा बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल 4 पेज में ये क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर जाएगा, और इतना ही बोर्ड में आपको भी लिखना है। टोटल 5 आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, पहला हमारा इसमें 5वां है पीफंड सीरीज, दूसरा हमारा ब्रैंकेट सीरीज, तीसरा हमारा पासन सीरीज, दूसरा हमारा है आपको इसमें ब्लेमर सीरीज, और पहला हमारा है लैमर सीरीज। तो ये सभी आप लोग तैयार याद रखेंगे, लैमर सीरीज के ये फॉर्मूला के बारे में पूछ देगा तो आप लोग इस सबको तैयार कर लेंगे, और आप लोग इसका पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है इस पर मैसेज करके ले सकते हैं। तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके ले लीजिएगा। तो वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके बताना ना भूले, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया लेकिन उसके लिए सॉरी, लेकिन वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कॉमेंट करके बता। अगर आप लोगों के एग्जाम के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट हमारे लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, ताकि मुझे लगे कि आप लोग पूरा वीडियो को देखें, जो जो भी स्टूडेंट देखे वो एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल बढ़ सके और आप लोगों के लिए इसी तरह से और अच्छे से वीडियो को अपलोड करता रहूं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।